बाबा जी यही सब्जेक्ट आपने क्यों चुना, आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना? असल में लायन हार्ट वन का हम प्रमोशन कर रहे थे, यहाँ मुंबई में प्रमोशन किया, चैनलों पे मीडिया के पास गए और उस दरमियान उरी अटैक हो चुका था। हर कोई पत्रकार हमसे यही पूछ रहा था, गुरुजी आपकी निगाह में क्या है कि कैसे रोका जाए। तो हमने तब तीन बातें बोली थी कि अगर इस देश को आतंकवादी देश घोषित किया जाता है तो लोग अपने नागरिकों को अपने आप ही कंट्रोल करेंगे, दूसरा हमारा जो सीमा रेखाएं हैं उनको इतने दृढ़ तरीके से बंद कर दिया जाए कि पक्षी भी फड़फड़ा ना सके, और तीसरा है कि अगर अचानक आके वो लोग हमला कर सकते हैं तो हम छापेमारी युद्ध क्यों नहीं कर सकते। तो अभी मुंबई से हम गए थे दिल्ली में, कुछ चैनलों पे कर रहे थे तो ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, और उसके बाद हम एक चैनल पे गए और वहाँ के एक पत्रकार सज्जन थे सुधीर चौधरी, तो उन्होंने हमसे कहा गुरुजी फिल्में आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत मैसेज मिल रहा है, पूरा समाज बदल रहा है, क्यों ना एक देशभक्ति की फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक पे ले आओ, आप एक महीने में बना देंगे, बाकियों के साल डेढ़ साल का काम है। तो हमने कहा हमारी नेचुरली स्पीड ज़्यादा, हम 30 नेशनल गेम खेले हैं तो हम इंटरनेशनल कोच भी हैं, तो नेचुरली हाथों से पूरी खेती बाड़ी की है दिन रात दे करके, तो हमें लगता है कि हम वो काम कर सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा से ये 29 दिन में फिल्म बन के तैयार हुई, बाकी आप लोग जाने, राम जाने कैसी लगती है, हमने अपना काम कर दिया। बाबा जी ऐसा कोई इंडस्ट्री में व्यक्ति है जिसे आप चाहते हो कि मैं डायरेक्शन करूं, आप डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कोई हो इंडस्ट्री का, कोई ऐसा है? सभी लोग हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, सभी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, हर हीरो हीरोइन, हर कोई डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर, हर कोई बहुत बढ़िया काम करता है। पर अगर कंपनी हमें कहती है किसी के साथ, हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी, कि किसी के साथ आप मिलके फिल्म कीजिए, तो हम बिल्कुल हर समय हर पल तैयार हैं समाज को बदलने के लिए, किसी के साथ भी काम करने को मिल जाए। सब्जेक्ट यही कुछ रहेंगे या कुछ अलग होंगे? बस नग्नता नहीं होगी, अश्लीलता नहीं होगी, नशा नहीं होगा कि हीरो या कोई हीरोइन नशा कर रही हो, ऐसी चीजें नहीं होगी, समाज को बदलने के लिए कुछ ना कुछ संदेश होंगे, तो हम किसी की भी फिल्म करने को तैयार। लेकिन बाबा आजकल ये कहा जा रहा है कि एक गाने फिल्मों में आइटम सॉन्ग ना हो तो फिल्में हिट नहीं होती, आजकल हर फिल्म आइटम सॉन्ग आई थी। आपको एक रोचक बात बताते हैं, यहाँ जितने सज्जन बैठे वो भी एग्री करेंगे, तो हमसे पत्रकारों ने साउथ में गए, तमिलनाडु गए, हर किसी ने एक ही सवाल किया था, गुरुजी आपके दाढ़ी है, हीरो की दाढ़ी नहीं होती, क्या आज भी आप कहते हैं हीरो की दाढ़ी नहीं होती? उस दिन के बाद हीरो छोड़िए क्रिकेटर भी दाढ़ी रखने लग गए हैं। हमने कहा था बेटा एक बार फिल्म आ जाने दो, बाद में पूछेंगे आपसे, और आज हम पूछ रहे हैं। तो दाढ़ी एक फैशन बन गया है, और फिर हमने कढ़ाई वाले कपड़े पहने थे, इसमें भी थोड़ी सी है एक साइड में, शायद इस साइड में, तो लोगों ने कहा गुरुजी ये गलत बात है, ये नहीं पहनना चाहिए। तो आज जितने भी आपके फंक्शन होते हैं क्या इसमें ये नहीं होता? तो ये ट्रेंड सा बन जाता है, और हमें आप जो कह रहे हो कि नंगे नाच के बिना फिल्में सफल नहीं होती, हमने तीन फिल्में की हैं ईश्वर की कृपा से, इतनी सफल हुई हैं, हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, कंपनी वालों से पूछना कमाई कितनी हुई वो तो वो जाने, लेकिन हम लास्ट संडे को सत्संग करते हैं जिसमें विदाउट एनी मनी, बिना किसी पैसे के, बिना धर्म जात छुड़ाए, हम ड्रग छुड़ाते हैं, वहाँ पैसा नहीं चढ़ता डायरेक्ट इनडायरेक्ट आश्रम में। तो पहले 5-10 हज़ार लोग नशा छोड़ने आते थे, जैसी ये तीन फिल्में हुई हैं 25-50 हज़ार लोग पूरी दुनिया से नशा छोड़ने आ रहे हैं, तो हमें वो सफलता मिली, तो इसलिए हम फिल्म में आगे बढ़ गए। बाकी लोगों को अच्छी लगे तो अच्छा है, कोई गलत कहता है तो भी अच्छा है, राम जाने उसका काम जाने, हम अपना बाजा बजा रहे हैं। बाबा जी हमने जो सॉन्ग सुना वो काफी अच्छा सॉन्ग है, तो आपके साथ में जो सिंगर है उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो सिंगर है ये हमारी छोटी बेटी, हमको ये बैठी है यहीं पे, हर फिल्म में उसी ने गाया है और यही गाती है हमेशा, अमरप्रीत, तो ये छोटी बेटी है जो हमारे हमेशा सॉन्ग गाती है। बाबा एक्टर के साथ में डायरेक्टर भी हो, तो किस तरीके से चैलेंजेस आती है एक मूवी बनाने के लिए? जी बहुत चैलेंज होता है, हमने जैसे ये फिल्म शुरू करनी थी तो बेटी ने और हमने मिलके दोनों ने डायरेक्शन किया है, तो सबसे पहले हम आर्मी के बहुत सारे लोगों से मिले, कमांडो से मिले, कर्नल से मिले, ब्रिगेडियर से मिले, आम जो लोग लड़ते हैं उन कमांडो से जाके मिले, उनसे एक एक बारीकी पूछी कि आखिर कैसे आप करते हैं,
तो उन्होंने बताया सारा कुछ, तो लगा कि हाँ हम कर देंगे। उसकी वजह थी कि हम 30 नेशनल गेम खेले हैं, आज भी गेम खेलते हैं हम सारे, और दूसरा था हम गन शूटर हैं नेशनल लेवल के, तो हमें लगा कि ये भी आसान होगा हमारे लिए करना। तो बाकी रही लोकेशन की बात, तो आश्रम है हमारा हिमाचल में, हम वहाँ वैसे ही गए हुए थे कि चलो वहाँ जाके कुछ देखते हैं, मिलते हैं आर्मी से। तो जब जाके देखा तो लोकेशन बिल्कुल सेम थी जो जम्मू कश्मीर की लोकेशन या उस एरिया उरी साइड की लोकेशन थी। तो बस फिर उसके बाद हम लग गए और ईश्वर ने काफ़ी रहमत की है, कृपा की है कि फिल्म बनी 29 दिन में। बाकी आप लोग बताएंगे कैसी है। बाबा अगर आप प्लीज दो लाइन सुना दे हमें सॉन्ग का। जी, ये जाना तुझे पाके रब पालिया तुझे पाके, ये जाना तुझे पाके रब पालिया तुझे पाके, लम्हा जो गुजरा तेरे साथ क्या बताओ, तेरा इश्क ऐसी चीज छुपाना चाहूं छुपा ना पाऊं, ये माना तुझे पाके रब पालिया तुझे पाके। जी बाबा कैसा रहा एक्सपीरियंस अपनी बेटी के साथ में काम करके? जी बेटी हमारी ये जो डायरेक्टर है इसमें कमांडो हमारे साथ एक एक्टर भी है, तो इस बेटी के साथ बड़ा ही आसान था। हमने इस बेटी को बोला कि ले बेटा, बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे डायरेक्ट किया है, अब तेरी बारी है, तू मुझे डायरेक्ट कर। तो अच्छा लगा क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे पवित्र वेदों में लिखा है कि जब बच्चे ऋण उतार दें तो उससे बड़ा कुछ और नहीं होता, और इस बेटी ने क्या बाखूबी सब काम किए हमारे साथ। और सबसे बड़ी खुशी की बात हम बताना चाहेंगे, जितनी बेटियां शायद और भी ज़्यादा उनको खुशी होगी, कि इस बेटी ने जैकी चैन का जो रिकॉर्ड था 15 किरदार निभाने का, इसने 22 किरदार निभा के उसको तोड़ दिया। हमारी तो बात अलग थी, लेकिन इसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और हमने 43 क्रेडिट निभाए हैं, तो हमारा भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। तो ये हम काम करते ही ऐसे, हम बचपन से बहुत हार्ड वर्कर रहे, शायद उसी का कारण है ईश्वर आज भी वैसे ही काम लेते। हम सिर्फ 4 घंटे सोते थे, आज भी वैसे ही सोते हैं, दिन रात लगे रहते, तो शायद यही कारण है हमारी स्पीड का, ईश्वर की कृपा। थैंक यू सो मच। जी आशीर्वाद। बाबा जी, कमल बोल रहा हूँ E24 से। हाँ जी, हाँ जी, कमल जी बोलिए। बाबा जी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सफलता मिल रही है, आपकी ये 3री फिल्म है, आप हर एक फिल्म में सारे मैसेज देते हैं, इसमें रोमांस है, मैसेज है, सब कुछ है, क्या आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबकी छुट्टियां करवाने वाले हैं, ये सबसे पहले जानना चाहूंगा। ना बाबा ना, ऐसा कुछ नहीं है। जी नहीं, जी नहीं, हम किसी की छुट्टी करने नहीं आए, हम तो बस ये बताने आए हैं कि स्वस्थ तरीके से भी इंटरटेनमेंट हो सकता है।